नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब इस सिचुएशन के बारे में आपको पता ही होगा कि हम सारे इस कोविड के दौरान दौर से जा रहे हैं और इससे बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म भाप ले रहे हैं यानी स्टीम ले रहे हैं, ये सब कुछ करना तो अच्छा ही है, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको एक प्राणायाम बताने वाली हूँ और ये प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव प्राणायाम है। आपको कोविड नहीं हुआ है और आप इसे बचना चाहते हो तो ये प्राणायाम अभी से शुरू कीजिए, और जिनको कोविड होकर गया भी है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। इस प्राणायाम से शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस प्राणायाम में हम शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं। इससे अस्थमा, कफ और एलर्जी की समस्या दूर होती है। ये प्राणायाम आपके फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ाता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वो हेल्दी होते हैं, शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचार बढ़ता है यानी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, बाहर की बैक्टीरिया यानी हवा में जो जीव जंतु होते हैं वो आपके श्वास नलिका से होकर आपके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता पर असर करते हैं, आपके लंग्स धीरे धीरे वीक होते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको प्राणायाम बताने वाली हूँ, इस प्राणायाम से हम हमारे श्वास नलिका से सारे टॉक्सिन्स, सारे बैक्टीरिया, जीव जंतु ब्रीदिंग से बाहर फेंकते हैं। बहुत ही असरदार ऐसा ये प्राणायाम अब इस सिचुएशन में सभी ने 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस भस्त्रिका प्राणायाम को आपने किस तरह से करना है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं ने इसका अभ्यास ना करें, या जिन्हें हृदय रोग, हार्निया है, या जिन्हें सर्दी के कारण नाक बंद हो, तो उन्होंने ये फोर्सफुली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को करते वक्त सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर और मन को स्थिर रखें। आंखें बंद कर दे, धीरे गहरे श्वास को अंदर की ओर ले और सांस को बाहर छोड़े। ये प्राणायाम शुरू करने से पहले डीप ब्रीदिंग करें और फिर हाथों से दाई नाक को बंद करना है अंगूठे से और बाएं नाक से श्वास को ले और श्वास को छोड़े। तेज गति से श्वास ले और तेज गति से श्वास बाहर निकाले। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। इसे नाभि स्थल पर दबाव पड़ता है। इसमें एक नाक बंद करने का कारण यह है कि हम दूसरे नाक के श्वसन को यानी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और अच्छे से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं, और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। इसे आपको 25 बार काउंट्स करने हैं। अब आपको बाई नाक बंद करके दाई नाक से जलद गति से श्वास को अंदर लेना है और छोड़ना है। इस लेफ्ट नोस्ट्रिल से भी आपको 25 बार काउंट करने हैं। अब यह 25-25 बार दोनों नाक से होने के बाद दूसरा प्रकार भस्त्रिका का यह है कि दोनों हाथों को आपको सांस को लेते हुए ऊपर लेना है और जलद गति से आपको श्वास को बाहर निकालना है। तब आपके दोनों हाथों को इस तरह आपको नीचे लाना है। इसके भी आपको 25 काउंट्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 25 काउंट इसके लिए।
दोस्तों ये नियमित रूप से प्राणायाम करें, रोज करें, 5 मिनट सिर्फ लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।